मुंबई के कुलाबा साइड की जो स्पेशलिटी है पनीर भुर्जी, जिसे रुमाली रोटी के साथ खाया जाता है, आखिर वो बनती कैसे है? अगर आप उसे सेम टू सेम सेम स्वाद वाली पनीर भुर्जी को घर में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और कोई भी इंग्रेडिएंट मिस मत करिएगा। और स्वाद को कंपेयर करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच तेल के। एक लोहे का पैन आप लीजिए, उसमें लहसुन को चॉप करके बारीक 3 से 4 बड़े चम्मच डाल के हमको करीब 2 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है। देखिए, लहसुन को जब आप भूनोगे वो थोड़े थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स उसमें आने लग जाएंगे। उसके बाद उसमें 2 बड़े प्याज को बारीक काट के डालना है। प्याज डालने के बाद उसमें हम डाल देंगे 2 शिमला मिर्ची को चॉप करके, थोड़ा प्याज से बड़े साइज़ में, और 4 टमाटर को चॉप करके। अच्छे से हमें इसे भून लेना है हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक। गैस की फ्लेम को हम तेज़ ही रखेंगे। साथ में बहुत सारा इसमें फ्रेश धनिया जाएगा, जो धनिया का स्वाद आएगा वो बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में जाएगी अदरक, बहुत सारी अदरक मैंने इसमें डाली है, लगभग 2 चम्मच के आसपास। कद्दूकस करके डालें या फिर चॉप करके डाल सकते हैं। अच्छे से इसे तेज़ आंच पर हमें 2 मिनट तक भूनना है। साथ में जाएगा समुद्री नमक 1 चम्मच या पिंक सॉल्ट, और साथ में जाएगा हल्दी चुटकी भर। हल्दी डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक तेज आंच पे अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए, सब्जियों को आपको अच्छे से पकाना है, काफ़ी अच्छे से भुन जानी चाहिए तेज आंच पे। उसमें जाएगी हरी मिर्ची, आप अपने स्पाइस की टॉलरेंस के हिसाब से हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। जो लाइट कलर वाली हरी मिर्चियाँ होती हैं वो कम तीखी होती हैं। साथ में जाएगा धनिया पाउडर 1 1/4 टीस्पून, और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर 1.5 चम्मच। मैंने ज़्यादा डाला है, कलर अच्छा आएगा, आप चाहें तो कम डाल सकते हैं, कम तीखा होता है। और साथ में एक नींबू का रस लगभग 1 चम्मच या 1.5 चम्मच के आसपास, और जाएगा फिर से धनिया। अच्छे से हम इसे भूनते जाएंगे, तेज़ आंच पे कंटिन्यूस चलाते जाएंगे, और थोड़ा सा जाएगा गरम पानी 1/4 कप। पानी डाल के हम अच्छे से मसालों को और सब्जियों को भून लेंगे। काफ़ी अच्छे से हमें भूनना है इसे पकाते हुए। लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैंने 150 ग्राम पनीर के एकदम बारीक बारीक टुकड़े करके डाल दिए, और साथ में 150 ग्राम पनीर को मैंने इसमें कद्दूकस करके डाल दिया। इस तरह से हमें 2 बार दो तरह से पनीर को डालना है, कद्दूकस करके और फाइनली चॉप करके। इससे जो कंसिस्टेंसी आएगी पनीर भुर्जी की वो बहुत ही अच्छी आएगी दिखने में। चलिए अब देखते हैं कि ये डालने के बाद हमने डाला है इसमें बटर 4 बड़े चम्मच। जी हाँ, आप बटर इसमें जितना ज़्यादा डालोगे सब्जी का स्वाद उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसे हमें करीब 7 से 8 मिनट तेज़ आंच पे भूनना है। ये देखिए, साथ में जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला लगभग आधी चम्मच, और छोले मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच सांबर मसाला ऐड किया है, और साथ में जाएगा इसके अंदर पाव भाजी मसाला, जो छोले मसाले और सांबर मसाले से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्वांटिटी में। फिर से थोड़ा सा धनिया जाएगा, और हम इसे अच्छे से पकाएंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से तेज़ आंच पे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है। साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, एकदम तेज़ गर्म पानी डाल के हम अच्छे से मसालों को भून लेंगे। ये देखिए, अभी इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है। थोड़ा सा मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच तेल के डाले हैं, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। मैंने ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि ऑयल से जल्दी ये जो ऑयल है वो छोड़ देगी सब्ज़ी और अच्छे से जल्दी भुनेगी। और थोड़ा सा कसूरी मेथी इसके अंदर मैंने डाला है। अच्छे से हमें इसे तेज़ आंच पे पकाना है। अगर आप बाद में बीच में जब भी ऑयल डालते हो ना, तो सब्ज़ी का जो पहले डला हुआ ऑयल है वो जल्दी रिलीज़ होता है। साथ में जाएगा इसमें टमाटर के बड़े टुकड़े। इस तरह से जो हम एंड में टमाटर ऐड करते हैं, तो जो टमाटर का फ्रेश जूस का जो फ्लेवर होता है सब्ज़ी के अंदर, बहुत अच्छा आता है। आप घर में इसे ज़रूर ट्राई करिए, तभी आप इसका स्वाद समझ पाएंगे। और धनिया फिर से जाएगा। स्टेजेस में धनिया डालने का कोई रीज़न ही होता है। आप घर में बनाएंगे और स्वाद चेक करेंगे तभी समझ पाएंगे। ये देखिए,
टमाटर डालने के बाद मैंने इसे कोई 7 से 8 मिनट तेज़ आंच पर कंटिन्यूस चलाते हुए पकाया है। तब जाके ये देखिए कितनी खिली खिली पनीर भुर्जी बनके तैयार हो गई है। इसे सर्व करिए रुमाली रोटी के साथ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर ये बनी कैसी है। तो आप मेरे वीडियोज़ अगर पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की सारी मार्केट में मिलने वाली जो सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।